नमस्कार, जय जय सियाराम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज है सोमवार और आज हमें जाना है यज्ञोपवीत संस्कार कराने। जैसा कि कल आपने देखा है कि हमने जो है ग्रहमख करवाया है अपने मित्रों के साथ मिल करके, तो आज जो है उपनयन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है। तो आज हम रहेंगे और हमारे साथ ब्रह्मा जी रहेंगे, नरेंद्र जी। आज दो लोगों का ही कार्य है, तो आज हम और ब्रह्मा जी मिलकर के यज्ञोपवीत संस्कार संपादित कराएंगे। तो अभी सुबह के जो है 6:45 या 45 मिनट हो रहा है, अभी हमको निकलना है क्योंकि यजमान के यहाँ 8 बजे पहुँचना है और 8 बजे पहुँचने के लिए हमको 1 घंटा पहले निकलना ही पड़ेगा क्योंकि लगभग 34 से 35 किलोमीटर दूर है यजमान का घर, तो हमें समय से पहले ही निकलना होगा। ब्रह्मा जी भी वहाँ से नज़दीक रहते हैं तो वो वहाँ से ही पहुँच जाएंगे। कितना दूर था आपके यहाँ से? 19 किलोमीटर। मुझे लगा नज़दीक होगा। हाँ, पर वो 19 तो नहीं है, पास नहीं है, ज़्यादा 12-13 होगा। हाँ, क्योंकि 34 या 35 मुझे अपने यहाँ से दिखा रहा था। लास्ट है। ये लास्ट है, मेरा लास्ट नहीं है। यहाँ पूजन की तैयारी लगभग संपूर्ण हो चुकी है। यहाँ कलश स्थापन किया जाएगा और यहाँ देवताओं का स्थापन होगा, गणपति और अन्नपूर्णा का। यहाँ हवन होगा और वो मंडप के लिए बनाया गया है। कल के देवक स्थापन जो है षडमातृका इत्यादि, शस्त्रगर्भा इत्यादि देवियों की जो स्थापना की गई है वो यहाँ की गई है ये। और इसमें जो है अविघ्न संज्ञक गणपति जो होते हैं, जो विघ्न विनाश करते हैं, उनकी जो है स्थापना की गई है। मंत्र जो दीक्षा दी जाती है तो चांदी की थाली में दी जाती है, चावल भर करके, तो वो ये है। हवन सामग्री वगैरह सब रेडी है, पुष्प इत्यादि सब रेडी है, पूजा की थाली सब रेडी है। और यहाँ जो है अभी अंतरपाट बनाया जाएगा, तो इसमें शुभ लाभ स्वास्थ्य इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अथ तिराचम्य केशवाय नमः स्वाहा। तिन्विडपनिपेशो ओं माधवाय नमः स्वाहा। ओं गोविंदाय नमः स्वाहा। ऋषिकेशाय इतिहस्तौ प्रक्षाल्यः। दीपदेवताभ्यो नमः। कर्मसाक्षिणे नमः। पूजा दीपाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधयक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़ुं दिवल नमस्कार करा। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां आत्मज्योति प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ततः हरि ओम। सर्वोपचारार्थे गंधयक्षता पुष्पाणि समर्पयामि। ततः शंख घंटिका स्मरणं वैनते आयुर्विदमहे पक्षिराजाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। हरि ओम। पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। अभ्यो नमो नमः। उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य अभिषेकम् आदि फूल वाहन गया। आता हा फूल डोळ्याला लावायचं, वास घ्यायचा, चष्मा काढून वास घ्या, वास धर्मपत्नीला। उत्तरे निर्माल्यं विसृज्य अभिषेकम् हस्तौ प्रक्षाल्यः। पुनः अभिषेक प्राप्त्यर्थे गंधं पुष्पं समर्पयामि। अथ महागणपति अभिषेकम्। अथ पड़ी नी पड़ी शुद्ध पाणी गणपति वरवाहत रहे च मनामधे श्री गणेशाय नमः। किंवा ओम गं गणपतये नमः ह्या मंत्र जाप चालू ठेवायचा। हातात हात धरायचं मानसिक।
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज यज्ञोपवीतान्तर्गते आचमनीयं जलं समर्पयामि त्वां गन्धर्वाय खनस्त्वामिन्द्रस्वां बृहस्पति त्वामो कदे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत् अक्षतम समर्पयामि अक्षतांतर्गते यजमान पत्नी हल्दी कुमकुम हरि ओम मा हरिद्रा कुमकुम समर्पयामि सौभाग्यद्रव्यम समर्पयामि अहिरिव भोगैः परजेति बाहुंजाया हेतिम परिबाधम हस्तग्म विश्वाभयुनानि विद्वान पवन पमागुं संपरिपातो विश्वतः दुर्वांकुरान समर्पयामि हरि ओम मा कांडात कांडात प्ररोहन्ते परुका परुकस्परि एवानो दूर्वे प्रतनो सतेन च कलश के लिए निकाल लेना थोड़ा सा बाकी बाकी गणेश जी को अर्पित करवा दीजिए। हरि ओम मा दुर्वांकुरान समर्पयामि ततः हरि ओम मा भूर्भुवः स्वः पुष्पम पुष्पमालिकां वाइट हाँ पुष्पमालिकां समर्पयामि हरि ओम मा ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो गाट माधे सर हरि ओम सुजातो ज्योतिखा सहसर्म वरुथमा सदत्स्वः आसोग्ने विश्वरूपज्ञो संवेशवद्विभावशो ततः अश्वत्थे वो निखदनं पर्णे वो वशति कृता गोभाजित किला सतजित्सनवथ पूरुखं मा ततः पूर्णपात्रं मा पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वश्नैव विक्रीडावः इखमूर्जग्गो शतक्रतो ततः स्थापित परिवार देवताभ्यो नमो नमः गणपति गों हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गों हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गों हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम मां गंगणपतये स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा ओम गंगणपतये स्वाहा ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमः नेति कश्चन सा सत्यश्वकः शुभदरीकां कांपीलवासिनीम् अंबायै स्वाहा अंबिकायै स्वाहा अंबालिकायै स्वाहा। उस्त्र और छुरी का पूजन होता है और उसके बाद जो है हरि ओम मा ओम तीन बार हाँ धागा धागा और वो सब के उसके साथ में तीन बार में कट करना है। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। थोड़ा सा नैवेद्य दाखवायला सांगा त्याला बोलून द्या। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। त्याला घाला बस झालं डोळे उघडायचं। वा मीठ बरोबर आहे ना खीर मध्ये? नील आणि तू आईला ग्रास दे। हरि ओम स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लारो विनायकमहं चिंतामणि स्थेवरं लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरं ओझरं ग्रामे गणपतिः कुर्यात् भटोर्मङ्गलं शुभमङ्गलः सावधान गंगा
सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सरिता कुर्याद् भटोर्मंगलम शुभमंगल सावधान लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरीश चंद्रमा गावः कामदुघा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना अश्वः सप्तमुखो विषंहरिधनुम् शंखोमृतं चाम्बुधे रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्याद् भटोर्मंगलं शुभमंगल सावधान ततो बटुक सांभाळ असा नमस्कार करायचं असतं अनिल हो असंच करायचं हं नाही तू आज नाही करायचं आता तुझं झालं आजचं हं हो थ्रेड सेरेमनी हे थ्रेड ना हे थ्रेड सेरेमनी झाली आता हे काढायचं नाही कधी हा हे भाग्यच असतो आता तो वेगळा भाव आहे आशीर्वाद द्यायचा सगळ्यांना सुखी रहा यज्ञोपवीत संस्कार में भिक्षा का अपना एक महत्व होता है। भिक्षा मांगने के बाद भी बहुत सारे कार्य होते हैं, वह सब कुछ कार्य हमने संपन्न कराया, परंतु उसका वीडियो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमें वह सब कार्य कराना था, इसलिए संभव नहीं हो पाया। तो आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सबको जय जय श्री राम।